सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक दिन पहले लखनऊ में पुलिस मुख्यालय की विजिट के दौरान कहा था कि यहां पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला। अखिलेश यादव के इस बयान पर स्वतंत्र प्रभार खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने पलटवार किया है। राज्य मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव के पास कोई काम नहीं बचा है। अखिलेश यादव कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं तो कभी प्रशासन पर। मंत्री ने कहा कि मैनपुरी जीते तो ईवीएम पर आरोप नहीं लगाया, इसी तरह 2014 में हारे तो इन्हीं का पुलिस प्रशासन था, आरोप नहीं लगाया। उसके बाद भाजपा की सरकार बनती रही तो लगातार घूम घूम कर पुलिस प्रशासन को दोष देते रहे। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव यहाँ रायबरेली स्पोर्ट्स स्टेडियम में अत्याधुनिक जिम का उद्घाटन करने पहुँचे थे। इस दौरान उनके साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने अत्याधुनिक जिम में लगाए गए इंस्ट्रूमेंट पर वर्जिश भी की। इस बीच मीडिया से बात करते हुए गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि आज जिस जिम का उद्घाटन हुआ है वह रायबरेली वासियों को स्वास्थ्य को बेहतर रखेगा। हम बता दें यहां पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 70 लाख की लागत से अत्याधुनिक जिम बनाया गया है। S7 के लिए अनुपम मिश्रा के साथ वरुण वाजपेयी की रिपोर्ट। आज ये रायबरेली में जिम का एक तरह से कहा जाए लोकार्पण विक्रम सर सर, और इस जिम से रायबरेली वासियों अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए और तमाम तरह की बीमारियों से बचने के लिए बहुत बड़ा एक तरह से कहा जाए जिम सार्थक साबित होगा और ये रायबरेली वासियों के लिए बहुत बड़ा उपहार है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दो चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से एक हस्तगत आदेश था वो समाप्त हो चुका है और हम अतिशीघ्र जितने भी कोचेज के बने प्रदेश उनको भरेंगे, कोचेज की कोई कमी सर। अखिलेश यादव के पास अब कोई काम बचा नहीं है तो पुलिस मुख्यालय कभी जाएंगे कभी घूमेंगे तो उनका यही काम बचा है, क्योंकि जनता उनको नकार चुकी है। अब उन जनता का जनादेश उनको मिल नहीं रहा है तो इसलिए वो कभी EPM पर भी दोष देंगे, कभी प्रशासन पर भी दोष देंगे, तो उनका ये तमाम तरह का हथकंडा चल रहा है। मैं आपसे इस बात को तो सुन लीजिए जी जी, आप कभी कभी जब जीत जाएंगे तो वहाँ का EPM ठीक हो गया, मैनपुरी वाला इसमें EPM को दोष नहीं दिया, प्रशासन को दोष देते हैं। तो प्रशासन जब 2012 में सत्ता में थे तो 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें जीती, उनके हाथ में था प्रशासन और EPM दोनों थे, ठीक ही नहीं थी। फिर जो हुआ 2017 में जब चुनाव हुआ तो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 325 सीट हम लोग जीते। फिर 2019 में जब चुनाव होता है तो बुआ बबुआ दोनों लोग मिल के चुनाव लड़े, फिर भी हम 64 सीट नहीं है, क्योंकि वो जनता से उनको जनादेश नहीं मिला था, पिता के मिले हुए जनादेश पर उनको गद्दी मिली थी और वो जनता नकार चुकी।